नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब दूसरी औरत के लिए पति ने अपनी पत्नी को त्याग दिया तो पत्नी ने ऐसा क्या किया कि पति के होश उड़ गए। फोन पर रवि की आवाज़ सुनाई दी तो कांप सी उठी वह, धड़कने बेकाबू हो गई, चेहरा लाल और गला सूखने लगा कि रवि तो उससे माफ़ी मांग रहे थे, घर पर आकर उससे और बेटी शिखा से मिलना चाहते थे। क्या करे अनुपमा, अब अपने बिगड़े भाग्य को बनता देख खुशी मनाए या उस दारुण अपमान को याद कर फोन काट दे। कैसे विश्वास कर ले, अब वो सब कुछ फिर से दोहराया नहीं जाएगा और उसका अस्तित्व अब रवि की कामनाओं और वासनाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या माफ़ी के इन दो बोलों से उन क्षणों को भूल जाना संभव है जब उसके प्यार और जीवन भर के संघर्ष को नकार लोक लाज और समाज को तेलांजलि दे उसके पति रवि उसी की सहेली निशा को साथ ले एक नया फ्लैट खरीद उसमें शिफ्ट हो गए थे, उसे छोड़कर चले गए थे। पर दूसरी तरफ इन तीन लंबे और नीरस वर्षों की उन तड़पती हुई रातों का क्या करे, वह जिनका कहीं अंत ही नज़र नहीं आता था। अगर अपने स्वाभिमान को सर्वोपरि रख कर वो रवि को अस्वीकार कर देती है और बड़े होने पर शिखा की सहानुभूति माफ़ी मांगने आए पिता की ओर झुक कर उसे अपने जीवन के अधूरेपन के लिए जिम्मेदार ठहराने लगी तो माता पिता द्वारा तय की हुई शादी थी उनकी। पर अनु जैसी सुंदर और समझदार पत्नी पाकर रवि खुश थे। शुरुआत में दोनों ने तय किया कि अभी परिवार को नहीं व्यापार को बढ़ाना है और इस ध्येय के लिए संयुक्त परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठाने के बाद भी समय निकाल कर अनु हमेशा रवि के हर संघर्ष में साथ रही। उनको कहीं बाहर निकलना होता तो वह अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के काउंटर पर बैठती, रोज शाम दिन भर की खरीद बिक्री की कंप्यूटर में एंट्री करती, किसी पर्सनल सेक्रेटरी की तरह रवि के सभी आवश्यक कार्यकलापों का लेखा जोखा रखती और समय पर उन्हें संचालित कराती। वह पढ़ी लिखी और समर्थ थी, रवि में भी नया खून और जोश था, प्रयत्नों में ईमानदारी भी थी तो किस्मत ने भी साथ दिया। उनके स्टोर में इतनी भीड़ रहने लगी कि कुछ ही समय में बगल वाली दुकान भी खरीदनी पड़ी। हर काम के लिए अलग स्टाफ रखना जब इतना मुश्किल काम नहीं रहा तो लगा व्यापार तो जम गया है, अब परिवार की जिम्मेदारी उठाई जा सकती है। क्योंकि वक्त भी बीत रहा था, सास ससुर की तरफ से दबाव भी था, अतः अनुपमा ने नन्ही शिखा को दुनिया में लाकर कुछ दिनों के लिए बाहर की कामकाजी दुनिया से ब्रेक ले लिया। फिर परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदली थी कि अचानक ही एक दिन उसके ससुर चल बसे। पक्की उम्र में अलगाव के इस सदमे को माँ जी झेल नहीं सकी और 6-7 महीने बीतते बीतते उन्होंने भी दुनिया से विदाई ले ली। एक युग का अंत हो गया था मानो। अब अनुपमा को समझ में आया था कि घर में बड़े लोगों की मात्र उपस्थिति का भी क्या मतलब होता है, कि रवि जो अब तक पुत्र थे अब घर के मालिक हो चुके थे। ढेर सारी जिम्मेदारियां आने के साथ साथ अधिकार क्षेत्र भी बढ़ गया था। अनु कभी कभी उनके स्वभाव में आती निरंकुशता को महसूस करती, पर उसे उनके मैच्योर होने की प्रक्रिया या उनके अंदर आता आत्मविश्वास मानकर छोड़ देती। आखिर अब वह शहर के एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन थे, स्वयं वह भी तो घर के हजारों हजार कामों में व्यस्त होती चली गई थी। जिंदगी एक रूटीन पर चलने लगी और पता ही नहीं चला कि कब एक ठंडापन सा उनके संबंधों में आकर बैठ गया था। उन्हीं दिनों उसके कॉलेज के समय की बड़ी अच्छी सहेली निशा ने उससे संपर्क कर किसी ठीक ठाक सी जगह पर 6 महीने के लिए अपने रहने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था, क्योंकि उसे किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में वहाँ आना था। अनु को लगा 6 महीने का समय होता ही कितना है, प्रिय सहेली के साथ रहने का आग्रह था और घर में किसी तरह की कोई असुविधा भी नहीं थी, अपने साथ ही रख लिया था उसे। व्यापार और उससे संबंधित क्लिष्टताएं चरम पर थी और तमाम व्यस्तताओं और नीरस दिनचर्या के बीच किसी ताज़ा हवा के झोंके से निशा का आना रवि को अच्छा लगा था। हर चिंता परेशानी से दूर गुड़िया सी सजी धजी हंसती खिलखिलाती, कभी शिखा के साथ खेल रही होती तो कभी घर के कामों में अनु का हाथ बटा रही होती, कभी जीजू से चूहले करती तो कभी नई नई डिश बनाकर प्यार से खिलाती निशा। पता नहीं किन क्षणों में आत्मीयता बढ़ गई, अनु को कुछ पता ही नहीं चला। अब सोचती है तो अपनी गलती भी दिखाई देती है कि देखा नहीं तो कम से कम सोचा तो होता। 27-28 वर्ष की खूबसूरत और जवान लड़की कैरियर बनाने के चक्कर में विवाह भले ही ना किया हो पर मन और शरीर की ज़रूरतों को भला कब तक दबा कर रखेगी।
पता था कि घरेलू परिस्थितियों की वजह से महज 19 साल की कच्ची उम्र में ही निशा को पैसे कमाने के लिए बाहरी दुनिया में कदम रखने पड़े थे। स्वयं को बचाने के लिए उसने अपने चारों ओर एक अदृश्य परंतु कठोर आवरण की रचना कर ली ही थी, बाद में उसके व्यक्तित्व का हिस्सा ही बन गई। अनु को तो लगता है कभी किसी ने उस कृत्रिम यवनिका को पार कर असली निशा तक पहुँचने का प्रयास भी शायद ही किया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि के साथ वो सारी छेड़छाड़, हंसी मजाक, कोई दबी हुई कामना रही हो जिसकी उद्यम लहरें मौका मिलते ही इतने वेग से निकली कि अपने साथ सही गलत की हर समझ, प्रिय सहेली का दाम्पत्य, नन्ही सी बच्ची के सिर की छत सब बहा ले गई। वासनाओं की वे कुटिल लहरें क्या इतनी मनोहारी थी कि रवि भी विवेक शून्य हो गए और वो रीति हथेलियाँ निहारती अपनी गलतियों का लेखा जोखा कर दी पीछे छूट गई। निशा को क्या आँखों को बंद करके उस पर विश्वास करने वाली सहेली का घर ही मिला था डाका डालने को। अगर ढूंढती तो क्या उस जैसी सुंदर और कमाऊ लड़की को वर ही नहीं मिलता। नफरत थी उसे उन दोनों से, बदला लेना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों अंदर से शायद उसे पता था कि एक दिन रवि लौटकर ज़रूर आएंगे, कि निशा जैसी लड़की के साथ उनका संबंध जिंदगी भर तो चल ही नहीं सकता। पर तब अनु उन्हें सहज सुलभ नहीं होनी चाहिए। जो दर्द वह सह रही है वह उतनी ही तीव्रता से उनको भी महसूस होना चाहिए। वह सुंदर और समर्थ है, क्या उसे कोई दूसरा नहीं मिल जाता? क्या जरूरत थी उसे रवि के वापस आने के इंतजार में इतने दिन बैठे रहने की? पर क्या करती अनु, बेवफाई के दर्द को जानती समझती थी तो नन्ही सी शिखा से अपने ही शरीर के टुकड़े से वफाई कैसे करती? जिसका पिता उसे त्याग कर चला गया था, अनु भी उसे कैसे छोड़ देती? उसने अब अपनी बेटी के लिए जीना शुरू कर दिया था, स्वयं को समझा लिया था कि विधाता ने उसके लिए यही जिंदगी चुनी है। कि आज तक किसी को भी सब कुछ मिला है क्या? उसे तो इतनी खूबसूरत फूल सी बेटी का तोहफा दिया है जिंदगी ने, उसी को सहेज संवार कर खुशी खोज लेगी वह, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा रखेगी और पुरुष का संग साथ मनोहारी सही मजबूरी नहीं बनने देगी वह अपने लिए। पर ये सब तो तब की बातें थी जब रवि ने उसे ठुकरा दिया था। अब वह क्या करे जब वो बार बार उसे अपनाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, दुखी और टूटे दिखाई पड़ते हैं और ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जो उसका अवचेतन चाहता था। पर खुश क्यों नहीं हो पा रही है वो? उनको 10 बातें सुनाकर अपमानित क्यों नहीं कर रही है? इन क्षणों में अपने आप को अंदर से कमज़ोर क्यों पाती है वह? उनसे प्यार करना पसंद था उसे, उनकी बराबरी में खड़े होना और कभी उनके अधिकार क्षेत्र में दुबुक रहना दोनों ही अच्छा लगता था। पर क्या कभी उनको दुखी उदास देखना चाहा था? उनके व्यक्तित्व की गरिमा पर लगी हल्की सी चोट तक कभी न भाई थी उसे। तभी तो उनके गुरूर और उस नाजायज जिससे भी ज़्यादा उनका ये टूटना खराब लग रहा है उसे। वो घर में वापस आना चाहते हैं या वह चाहे तो अपने फ्लैट में ले जाना चाहते हैं उसे। गुस्सा आ गया था इस प्रस्ताव पर उसे। उस फ्लैट में जाएगी वह जो निशा के साथ रहने को खरीदा गया था। निशा के चले जाने के बाद भी वहाँ जगह जगह पर उसके अस्तित्व के निशान होंगे, तो फिर वह रवि को ही कैसे स्वीकार कर ले जो निशा का ठुकराया हुआ है? क्या केवल औरत के शरीर की शुचिता ही महत्वपूर्ण है, पुरुष की नहीं? कितना जानती है वह निशा के बारे में? कौन जाने इतने दिनों में उसने क्या क्या गुल खिलाए हों? क्या सबूत है कि रवि उससे कोई रोग बीमारी लेकर नहीं आए हैं? क्यों हिस्सेदारी करे वह इन चीज़ों में? प्रश्न हजारों हजार, पर समाधान क्या? काश की जिंदगी किस्से कहानियाँ सी सरल होती। पर आई औरत बुरी थी, उसने मोम के गुड्डे को जाल में फंसा लिया। फिर एक दिन पतिव्रता स्त्री के तप से उसकी आंखों पर चढ़ा पर्दा उतरा और वह लौट आया। अब वह दोबारा जीवन भर पतिव्रता रहेगी ताकि अगर पति फिर चला जाए तो इस प्रभाव का उपयोग फिर से किया जा सके। तो क्या रवि के साथ दोबारा गृहस्थी शुरू करने में हिचक बस यही है कि वह दोबारा न चला जाए? 3 सालों तक जैसे वह उनका इंतज़ार कर रही थी, कहीं निशा भी वैसे ही उनका इंतज़ार करती रहे तो क्या वह एक पतिव्रता स्त्री साबित नहीं हो सकती? निशा, जिसे वह कभी बहुत प्यार करती थी पर अब उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहती थी, यह कहना तो अति मानवीय होगा कि नफरत के इस दौर में अनु ने कभी उसके अवसान की कामना ही नहीं की। पर रवि के बारे में कोई निर्णय लेने से पहले उससे मिलने की इच्छा क्यों हो रही है? क्या उसको भला बुरा सुनाकर दर्पण दिखाना और अपने मन की भड़ास निकालकर शांत होना चाहती है वो, या जीत का डंका बजाने की चाहत कहेंगे इसे?
सो भी हो, इतने सारे अपमान और घुटन के बाद निशा को दुखी देखने का थोड़ा सा परपीड़क सुख लेने का अधिकार उसे भी तो मिलना चाहिए ना। उसकी आंखों में पश्चाताप मिलेगी या मक्कारी। आखिर क्यों छोड़ आए रवि उसे? उसने कुछ गलत किया या रवि को ही स्वाद बदलने की आदत पड़ गई है? कभी सोच ही नहीं सकती थी निशा और उसका परिवार कि अनु उससे मिलने उसके शहर उसके घर आएगी। निशा की माँ ने उससे लिपट कर रोना शुरू कर दिया तो खुद ही अप्रस्तुत हो उठी वह। मेरी बेटी को माफ़ कर दो अनुपमा, मैंने तो इसे बहुत समझाया पर इसकी आंखों पर तो पट्टी पड़ी हुई थी। ऐसी भी क्या जवानी चढ़ी कि सहेली का घर तक न छोड़ा। खुले और बाजारू शब्दों में निशा की माँ अपनी बेटी को इतनी गालियाँ दे रही थी कि पता नहीं क्यों अनु को निशा से जरा सी सहानुभूति महसूस होने लगी। फिर निःशब्द पराजित सी निशा को इस माहौल से बाहर लाने के लिए उसे ही यत्न करना पड़ा कि अपने आप से खीझ होने लगी। ये कैसा स्वभाव पाया है उसने, कभी किसी से खुलकर नफरत तक करना नहीं आता उसे। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ अनु, पर मेरे पास शब्द नहीं है। उस समय सचमुच मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हारा कितना बुरा कर रही हूँ, पर आज जब नियति ने उसी जगह मुझे लाकर खड़ा कर दिया है तब तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। मैंने अपने आप को इतना गिरा लिया कि तुम्हारे सामने पढ़ने तक की हिम्मत नहीं बची मेरे पास। ठीक ही तो कह रही है, ये सचमुच गिरी हुई है, सबक तो इसको मिलना ही चाहिए था। सचमुच ईश्वर के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं। इसको तो जितनी भी सजा मिले वह कम है। दिल के जलते छालों पर मानो ठंडक भरा फारा रख दिया गया हो। पर कुछ था निशा के पास जिसे अब वह अनु को बताना चाहती थी। तुम्हें तो बस इतना ही मालूम है ना कि पापा की अचानक डेथ हो जाने के कारण मुझे पढ़ाई छोड़कर पापा के ऑफिस में ज्वाइन करना पड़ा था। मेरे ऊपर माँ सोमे सुमन और दिनेश सभी की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। मैं व्यस्त हो गई, तुम लोगों से मिलना जुलना समाप्त हो गया। सच्चाई यह है कि क्वालिफिकेशन कम होने से मुझे काफ़ी कम वेतन पर नौकरी करनी पड़ी थी और हम बहुत गरीबी में आ गए थे। माँ ने भी घर में कुछ सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। मैंने भी अपनी प्रमोशन के लिए एड़ी चोटी का जेर लगाया कि रात भर जाग जाग कर पढ़ाई करती, हर तरह की टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए हमेशा तैयार रहती, पर अपने घर को आर्थिक खींचतान के माहौल से हम कभी बाहर ला ही नहीं सके। उन दिनों जब मैं तुम्हारे घर गई तो मैंने पहली बार भौतिक और मानसिक रूप से अमीर लोगों की ज़िंदगी को देखा था। इसके पहले मुझे मालूम ही कहा था कि इतने सुखी लोग भी होते हैं दुनिया में। मेरे लिए घर का मतलब था एक चिड़चिड़ी माँ, हर समय मांग करते मुँह लटकाए भाई बहन, अति आवश्यक चीज़ों के बिना भी काम चला लेने की आदतें, पर उससे जनित एक 2400 घंटों का असंतोष। अपनी ज़रूरतों और स्वार्थों से इतर किसी को इस बात की परवाह भी कहाँ थी कि मेरी भी कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं। उम्र निकली जा रही थी पर मेरे अंदर कभी इतना आत्मविश्वास रहा ही नहीं कि मैं किसी पर खुलकर विश्वास करती और अपने लिए किसी मिस्टर राइट का चुनाव कर लेती। उधर माँ भी मुझे हर समय दुनिया के लोगों से बचकर किसी के करीब न जाने की शिक्षा दिया करती, और पता नहीं कब कैसे एक जन्मदात्री माँ अपनी बेटी को सिर्फ घर चलाने की कमाई करने की मशीन समझने लगी। कभी कभी तो लगता है कि माँ और मेरे भाइयों ने किसी सोची समझी साजिश के तहत मुझे किसी के करीब होने ही नहीं दिया कि अगर मैं किसी से बातें भी करती दिख जाती तो सब मुझे उस शख्स की इतनी सारी कमियां दिखाते कि मैं डर कर अपने आप में सिमट जाती। बड़े भाई ने नौकरी लगते ही प्रेमिका से शादी करके अलग गृहस्थी बसा ली। सुमन और दिनेश अपनी दुनिया में व्यस्त थे, पता नहीं क्यों सब मुझे ही भूल गए थे। तेरे रवि ने मुझे पहले दिन से ही आकर्षित किया था, और सच कहूँ तो तेरे घर आने तेरा सुख देखने के बाद ही मुझे पहली बार अपनी याद आई थी। एक नपुंसक क्रोध था कि मुझे क्यों नहीं मिला ये सब, मुझमें क्या कमी है, और इसलिए अगर रवि मेरी ओर खींच रहे हैं तो क्यों रोक दूँ उन्हें। हर किसी को रोक कर ही क्या मिल गया था अभी तक, थोड़े दिन और यूं ही बीत गए तो कौन देखेगा मेरी तरफ। अपने बचाव के लिए मैंने अपने अंदर ढेर सारे तर्क जुटा लिए थे कि रवि तो मेरे पास उस सुख के लिए आ रहे हैं जो तू उन्हें नहीं दे पा रही है, अतः इन परिस्थितियों की जिम्मेदार भी तो तू स्वयं ही है। मैं न मिली तो किसी और को ढूंढ ही लेंगे वो। तेरी जैसे एक जिंदगी की चाह उस समय इतनी प्रबल हो उठी थी कि मुझे कुछ और दिखाई देना बंद हो गया था। रवि का मेरे साथ रहने के लिए एक फ्लैट खरीद लेना ही मुझे उन क्षणों में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि और उनके प्यार का सबसे बड़ा सबूत लगा था।
सच बहुत बाद में समझ में आया कि यह तो पुरुष का स्वभाव है कि उसे दूसरे स्त्रियों की आंखों में अपने लिए चाह प्रशंसा देखना गुदगुदाता है। यहाँ सवाल दूसरे स्त्री की किसी खूबी का नहीं, अपने वजूद, अपने यौवन की स्वीकृति, अहम की तुष्टि या फिर नवीनता के लालच का होता है। ये मेरी माँ जो आज मुझे इतनी गालियाँ दे रही है, उस समय मेरे विरुद्ध धीमी आवाज़ में भी कुछ नहीं कहती थी, जब मैं एक नए फ्लैट में स्वामिनी की तरह संपन्न जिंदगी जी रही थी और उन लोगों की हर जरूरत को औदार्य से पूरा कर रही थी। पता नहीं अभाव इंसान को इतना स्वार्थी बना देता है या इंसान बना ही स्वार्थ की मिट्टी से है। मुझसे सही तौर पर नाराज़ तो ये लोग अब हुए हैं जब रवि जैसी सोने की खान को मैंने गंवा दिया है, संभाल कर नहीं रख सकी। इतने सालों तक स्वयं को भूलकर भाई बहनों की परवरिश, सही शब्दों में कहूँ तो रवि के हाथों स्वयं को बेचकर इन लोगों के घर बसाने का सिला आज मुझे इन गालियों में मिल रहा है। ये तो दुनिया की पुरानी रीत है ना, कि जो करता है उसी से आशाएं रखी जाती है, उनके पूरा न होने पर गुस्सा तो आता ही है। अब क्या करूँ मैं इनके लिए, मेरे पास तो मेरी नौकरी तक नहीं बची है, खाली हाथ हूँ, किसी के काम की नहीं। एक सच्चाई बताऊँ अनु, कन्फेस करती हूँ कि मुझे आज तक तेरे सिवा कोई नहीं मिला जो बिना किसी निजी स्वार्थ के मेरे पास आया हो, पर तुझे ही डस लिया मैंने तो। निशा फूट फूट कर रोए जा रही थी और उसकी पीठ सहला कर उसे चुप कराने की विडंबना सहती अनु को उससे अभी कुछ और जानना था, कुछ था जो अभी अधूरा था। रवि मेरे कभी नहीं हुए अनु, तू हमेशा हम लोगों के बीच में रही। अपनी हैसियत को जानते हुए मैं तो कुछ भी करने को तैयार थी, पर पता नहीं क्यों उनके लिए बहुत जल्दी पुरानी हो गई। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे साथ वह कुछ नया अनुभव खोज रहे थे या मुझको एक दूसरी अनुपमा के रूप में ढाल लेना चाहते थे। अभी सारिका तो मैं बस तभी तक रही जब तक तेरे घर में थी। उस फ्लैट में जाने के बाद से तो मैं सिर्फ तुझे दोहरा कर उनको खुश करने में लगी रही। इस प्रयत्न में मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी जो यूं ही उनकी कमाई के समक्ष नगण्य थी। धीरे धीरे मैं निशा को भूल गई अनु, पर कभी अनुपमा नहीं बन सकी। छड़ी कावेग में एक कदम भले उठा लिया हो रवि ने, पर सच कहूँ तो एक पारिवारिक आदमी है, अपराध बोध उन पर इस तरह हावी था कि सामान्य जीवन से दूर होते जा रहे थे। वह एक ही शहर में रहकर अपनी बेटी से न मिल पाने के दुख से मैंने उन्हें तड़प तड़प कर रोते हुए देखा है अनु। मुझसे तो वह बहुत पहले से ही नफरत करने लगे थे, पर शायद तेरे पास लौटने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि इतना समय बीत गया। मेरी खूबियां जिन्हें देखकर कभी वह मेरी ओर आकर्षित हुए थे, अब मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। मैं एक ऐसी चुड़ैल में परिवर्तित हो चुकी थी जिसने जादू के जोर से उनके जैसे सीधे साधे पुरुष को वश में कर लिया था। कभी वह मुझे जलील कर घर से निकल जाने को कहते तो कभी रो रो कर मुक्ति की भीख मांगते। उनका आत्मविश्वास, व्यापार, सब कुछ अवसान की तरफ जाने लगा था और उस दिन जब उन्होंने आत्महत्या तक का प्रयत्न किया तब मुझे अपने निर्णय पर वास्तविक ग्लानि हुई। मैं वह नागिन निकली जिसे जिसने भी दूध पिलाया उसने उसी को डस लिया, चाहे वह तू हो या रवि, मैंने सबको बर्बाद कर दिया। फिर मैंने अपने मन को पक्का करके निर्णय लिया और उनको अनिर्णय के उस भंवर से बाहर निकालने के लिए, उन्हें मुक्त करने के लिए उन पर दबाव बनाया कि या तो अनु को तलाक देकर मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं अपने पुराने ऑफिस के एक मित्र के साथ शादी करने जा रही हूँ। मैं जानती थी कि यह जिद हमारे संबंधों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी और वही हुआ। तस्वीर का एक रुख यह भी है, अनु ने सर पकड़ लिया। हे भगवान, सही क्या है, ये कैसी जिंदगी दी है आपने अपने बंदों को, जहाँ कोई भी चीज़ न पूरी तरह सही होती है न पूरी तरह गलत। अलग अलग संदर्भों में चीज़ों के अर्थ क्यों बदल जाते हैं, अपनी अपनी परिस्थितियों में। अपनी नज़र में हर कोई निर्दोष ही होता है, वह तो बाद में मिलने वाले परिणाम निर्धारित करते हैं कि उसका वह कदम सही निकला या गलत। पूरी रात करवटों में ही बीत गई। पूरब की खिड़की से सुबह की रोशनी की एक किरण जब अंदर आई तो वह एकाएक उठ बैठी। छटपटाहट कुछ कम होती सी प्रतीत हुई, मानो प्रकाश की वह किरण अंतरतम तक प्रवेश कर गई हो कि वह कौन होती है सही गलत का निर्णय लेने वाली। सृष्टि का बहुत छोटा सा अंश है वह, और यह सृष्टि ही उसकी नियंता है। यह सृष्टि ने उसे स्त्री का रूप दिया है और स्त्री का अर्थ क्षमा, दया, भले हो, बदला, इंतकाम तो नहीं ही होना चाहिए जो जन्म देकर जिंदगी को गढ़ती है। वह किसी के जीवन को बिखरता हुआ कैसे देख सकती है।
फिर सिखा जबरबी का अंश है तो उन दोनों को एक दूसरे से वंचित क्यों करे। वह जो भी तकलीफ थी वह उसने अकेले नहीं सही बल्कि रबी भी तड़पते रहे। क्या इसे प्रकृति का न्याय नहीं कहेंगे? पर अगर वे फिर चले गए, इन बरसों में उसने जो कष्ट अपमान सहा उसका क्या? कहीं फिर से निशा आकर खड़ी हो जाए तो? पर जो भी होगा वह भी नियति ही होगी। जो परिस्थितियां घटित हो चुकी हैं उन्हें अगर बदला नहीं जा सकता तो उनके साथ जीना होगा। उसी तरह अपना भविष्य लिखना अगर अपने हाथ में नहीं है तो जो होने वाला है उसे स्वीकार करना होगा। एक अनवरत संघर्ष अगर किस्मत में लिखा ही जा चुका है तो घबराने से कैसे काम चलेगा? उस अकेलेपन ने मानसिक और आर्थिक रूप से उसे स्वावलंबी बनाना तो सिखा ही दिया था, तो अब आगे क्या ज़रूरत पड़ी है रबी पर आश्रित होकर रहने की? साथ में रहकर भी स्वावलंबी तो रहा ही जा सकता है। सोचने दिशा बदली, सही या गलत जो भी हुआ हो, पर निशा को भी इस तरह की मानसिक अवस्था में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अभी उसे सहारे की शायद सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और रवि अगर इस तरह मझधार में उसको छोड़कर स्वार्थी की तरह स्वयं भाग खड़े होते हैं तो ये उनकी एक और बड़ी गलती होगी। लगा इतने समय निशा के साथ रहकर जब अपना नाम उसकी ज़िंदगी की किताब में हमेशा के लिए दर्ज करा चुके हैं तो उसे जीने का सहारा देना उनका कर्तव्य बनता है। अनु को तो हमेशा से आदत रही है रवि की जिम्मेदारियाँ उठाने की, लगता है इस बार भी उसे ही सब कुछ करना होगा। सबसे पहले निशा को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करनी होगी। उसके अंदर अपने आप पर यह विश्वास पैदा करना होगा कि अपनी जिम्मेदारियों को अपने बल पर उठा पाने में ही उसकी संपूर्णता है, सुख है। अपनी परेशानियों में तो अनु ने कभी पापा और भाई से मदद नहीं ली, अपने अंदर विश्वास बनाए रखा कि वो खुद को अपनी बच्ची को संभालने में सक्षम है, तो मायके जाकर क्यों रहे, उन लोगों पर बोझ क्यों बने। पर अब पापा से अनु ने विनय करके निशा के लिए एक ठीक ठाक सी नौकरी का इंतजाम तो करना ही होगा। अब उसने ठान लिया था कि शिखा को अपने पिता के प्यार से वंचित नहीं रखेगी, निशा को उसकी ज़िंदगी और उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटाएगी। रवि को भले ही उनकी गलती का पछतावा है लेकिन वह कभी भी उन्हें माफ़ नहीं कर पाएगी। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।